ऐसा क्या हो गया भाई, इसने भागा क्यों रहे हो? क्या हुआ उसी से पूछो। 3 महीने पहले घर गिरवी रखा और घर से निकालने का नाम ही नहीं रहे। क्या करूं, इसीलिए निकाल दिया घर से। वापस आना मत, दोबारा घर के आसपास भटका आना, पैर कट के कंधे में लटका दूंगा। चल निकाल। सही बोल रहे क्या भाई? भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। वो हराम खोर धोनी ने मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया, उसने मेरा घर बिकवा दिया। धोनी ने घर बिकवा दिया? क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ भाई हाँ, आपको विश्वास नहीं है, उसी हराम खोर धोनी ने मेरा घर बिकवा दिया भाई, बिकवा दिया। उस हराम खोर का मैं बहुत बड़ा फैन था, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए भाई। पागल हो क्या भाई? हाँ भाई हाँ, मैं पागल हो गया जब उसका बात सुन लिया। क्या बात सुन लिया? क्या बात सुन लिया? वो रोज टेलीविजन पे आके बोलता था ड्रीम इलेवन खेलो करोड़पति बन जाओ। उसके बाद मैं कैसे ना मानता, उसको मैं गुरु मानता था, गुरु। उसके बाद मान के मैं ड्रीम इलेवन खेला और सब कुछ हार गया। कुत्ते के बच्चे के वजह से मैं सब कुछ हार गया, करोड़पति तो क्या, रोडपति बन गया, रोडपति। इसीलिए पूरा बात सुनना चाहिए। ये देखो आज फास्ट है। अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पे लगाना। Make your team now. इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। क्या बोला इसमें, क्या बोला, क्या बोला? उसको बाप को भी समझ में नहीं आएगा। खेलने टाइम बोला खेलो धीरे धीरे, और जोखिम के टाइम बोला क्या समझ में आएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ किसी क्रिकेटर का फैन मत बनो, फैन बनना है तो हीरो का बनो। क्या बोला? हीरो का हीरो बहुत ज्यादा हरामी होता है। चल मैं बताता हूँ किस लिए। अरे बेटा तू आ गया बेटा, अरे तू भी आ गया, अरे तीसरा मैंने कैसे छोटा आ गया। अरे आ जा बेटा, तू भी बीड़ी पी ले बेटा, ले बेटा बीड़ी पी, बीड़ी पी ले बेटा, बीड़ी पी पी बेटा। आयो रे मां, ऐसे हालत में ऐसे क्या हो गया इनको? भाई मैं क्या बताऊं, ये मेरा चाचा है, इनका 3 बेटा था, तीनों का तीनों एक ही साथ मर गया और ये पागल हो गया। तीनों का तीनों एक साथ मर गया कैसे? भाई मैं क्या बताऊं, ये शाहरुख खान, अजय, अक्षय, ये तीनों हराम खोर ने मिलके मार दिया। अरे वो लोग क्यों मारने आएगा, पागल पागल हो गया क्या? नहीं भाई पागल नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। वो तीनों डेली टीवी पर आता था और बोलता था गुटखा खाओ गुटखा खाओ। और मेरे चाचा का तीनों लड़का हीरो लोग का बहुत बड़ा फैन था ना, तो हीरो लोग जो बोलता था वही करता था, तो तीनों भी गुटखा खाने लग गया। अरे ऐसे गुटखा खाने लग गया कि खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया, सब गुटखा पे जीने लग गया। और गुटके में कोई कितना दिन जिएगा बताओ? 2 महीने के अंदर इधर से सर के कैंसर होकर मर गया। तो बताओ वो हीरो लोगों ने मारा ना मेरे चाचा के तीनों लड़के को? ये बात तो सही है, उन लोगों ने ही मारा। अब बताओ किसका फैन बने, हीरो लोगों का, क्रिकेटर का, किसका? ये सब साले लोग एक जैसे होते हैं भाई, जरा से पैसे के लिए लोगों को जहर भी खिला देगा और लोगों का घर भी बिकवा देगा जुआ खिला के। बताओ अब किसका फैन माने, हीरो लोगों का या क्रिकेटर का? किसी क्रिकेटर या हीरो का फैन मत बनो, फैन बनना है तो अपनी मम्मी पापा का फैन बनो।